सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक आलू की सब्जी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कोई ख़ास ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्ज़ी, जो कि आप पूरी, पराठे और ख़ास तौर पे जो कचौरी होती है, और अगर ईद की कचौरी होती है तो उसके साथ तो ये ज़बरदस्त लगती है। तो बहुत इसको जो बनाना है बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो आधा किलो मैंने आलू लेके और इनको रफली चॉप कर लिया है, इस तरह से, ना बहुत मोटे ना ज़्यादा पतले टुकड़ों में। और इनको मैंने पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना हो। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको चॉप कर लिया है। तीन टमाटर लेके मैंने इनको भी चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। बिल्कुल सिंपल मसाले जाएंगे, एक टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस आलू की सब्ज़ी का, वो है कलौंजी। तो एक टीस्पून फुल भर के मैंने ली है कलौंजी। सबसे बेहतरीन टेस्ट और खुशबू कलौंजी से ही इसमें आती है। और एक टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और एक टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो प्रेशर कुकर में हमने लिया है हाफ कप ऑयल, नमक, मिर्च और ऑयल आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ऑयल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कलौंजी और ज़ीरा और इनको थोड़ा सा कुछ सेकंड पकने दूंगी। अब डालते हैं इसमें प्याज और प्याज को 5 मिनट हम पका लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो प्याज थोड़ी सी हमारी पक गई है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। भून लेते हैं इसे भी कुछ सेकंड के लिए। अब डाल देते हैं इसमें हम सूखे मसाले, सबसे पहले हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और एक टेबलस्पून पानी भी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं। तो 1 मिनट हो गया है, मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च। और इनको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका देते हैं। तो टमाटर हमने 2 से 3 मिनट पका लिए हैं, थोड़े से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें आलू और आलूओं को हमें बहुत अच्छे से गलाना है। अगर आप कुकिंग पॉट में या पतीले में बना रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आलू बहुत अच्छे से गल जाएं। हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा मैश भी करना है, तो इसी हिसाब से आप इनको गलाइएगा। आलूओं को मसाले में हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो आलू अच्छे से भून गए हैं, अब हम डालते हैं पानी क्योंकि हमें आलूओं को गलाना है। तकरीबन आधा कप मैंने इनमें पानी डाल दिया है। अगर आप इनको पतीले में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा। अब हम लगाते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन और कम से कम इसमें हम 4 सीटी लेंगे या फिर जब तक कि ये अच्छे से आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमें इनको हाफ मैश करना है और हाफ को ऐसे ही छोड़ना है। तो आलू हमारे ये देख लीजिए ऐसे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें से हम कुछ आलूओं को स्पून की हेल्प से इस तरह से मैश कर देंगे। सभी को नहीं करना है, कुछ को करना है और कुछ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस को मैं अपनी दोबारा ऑन कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी सब्ज़ी का लुक, कुछ आलू हमने मैश कर लिए हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो बस ये तैयार हो गई है, इसमें हरा धनिया वगैरह नहीं जाएगा, ये ऐसे ही डिश आउट की जाएगी। तो देखिए तैयार है हमारी आलू की बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।